हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हरे धनिया से सूखा पाउडर बनाने का तरीका, जो सूखने के बाद भी आपका धनिया एकदम हरा रहेगा और खुशबू भी बनी रहेगी। तो आइए बनाते हैं हरा धनिया से सूखा पाउडर। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो का अगला अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। हरा धनिया का पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो फ्रेश धनिया लिया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह का धनिया है और इस धनिया में डंठल बहुत कम है और पत्ता बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह का पाउडर बनाने के लिए धनिया हमको लेना होगा। अब एक धनिया इस तरह से उठाएंगे और इसके पीछे का हिस्सा काट करके निकाल देंगे। जो इसका जड़ होता है उसको अलग कर देंगे। सारे धनिया को इसी तरह से काट काट के निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारे धनिया का जड़ मैंने पीछे से काट दिया है और पत्ते को 3 से 4 बार पानी में अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का डस्ट या धूल मिट्टी नहीं है। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लिया है और इसमें डाला है 4 लीटर चिल्ड पानी। इस पानी को और ठंडा करने के लिए मैंने कुछ आइस के क्यूब डाले हैं ताकि पानी बिल्कुल ठंडा हो जाए। तो 2 ट्रे मैंने आइस का क्यूब डाला है इसमें। अब पानी बिल्कुल ठंडा हो गया है, ऐसे ही पानी की ज़रूरत है हमको। अब जो धनिया मैंने पानी में धो करके रखा था उसको इस तरह से डाल करके डिप कर देंगे और इस धनिया के पत्ते को 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे। यदि आपने इस तरह से हरे धनिया को तैयार किया तो आपका धनिया हरा तो रहेगा ही, इसका खुशबू भी बना रहेगा। धनिया पत्ता को चिल्ड पानी में डाले हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और धनिया पत्ता एकदम से फ्रेश और ताज़ा हो गया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि इस तरह का आपको धनिया पाउडर बनाना है एकदम हरा और ताज़ा फ्रेश, तो आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखें, तभी आप इस तरह का पाउडर आप तैयार कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर टेबल के ऊपर एक बड़ा कपड़ा डाल करके इस तरह से रख दिया है। यह सूती कपड़ा है और एकदम डायरेक्ट पंखे के नीचे है। तो सारा धनिया को अच्छी तरह से इस तरह से फैला देंगे और पंखे को तेज कर देंगे। इसको हमको धूप में नहीं सुखाना है। यदि इसको धूप में सुखाते हैं तो इसका कलर तो खराब होगा ही, इसका जो खुशबू है वो भी गायब हो जाएगा। तो इस पत्ते को हम बिल्कुल पंखे के हवा में सुखाएंगे। जब भी आपको हरा धनिया पाउडर बनाना है तो आप मार्च या अप्रैल का महीना चूज कीजिए। उस समय ये पत्ता घर में पंखे की हवा से सूख जाता है और पाउडर आसानी से बन जाता है। मैंने 3 दिन इस पत्ते को सुखाया है और पत्ता अच्छी तरह से सूख गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कितना क्रिस्पी सूख के हो गया है, एकदम हरा है पत्ता और बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। सारे पत्ते को मैंने इस तरह से हाथ से तोड़ लिया है और इसको मिक्सिंग जार में नहीं पीसेंगे। अब मैं इस पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी और जब भी हमको डालना होगा सब्जी में, थोड़ा सा निकालेंगे हाथ पर लेकर के इसको सब्जी में इसी तरह से डाल देंगे। आप इस पाउडर को बनाने के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो एक बार फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।